सिर्फ इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। 15 विश्वविद्यालयों को आदेश की कॉपी भेज दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का हवाला दिया गया है। इससे पहले 2004 से 2009 तक छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी थी। कोविड के चलते 2020 और 2021 में भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, छात्र संघ चुनाव के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का हवाला दिया गया है। महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। अलग अलग समय में अलग अलग कारणों के चलते ये रोक पहले भी लगी है, और सबसे बड़ा सवाल क्या है उन छात्रों की प्रतिक्रिया जो इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे? ठीक है, सिर्फ पूरी जानकारी देना चाहूंगा। जिस तरह से पहले जो रोक लगी थी वो एक तरह से अनिश्चितकाल के लिए रोक थी, और इस बार जो रोक है वो एक साल एक सत्र के लिए रोक है। और ये जो रोक लगी है यानी इस मौजूदा सत्र 2023 और 24 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव है नहीं कराने को लेकर के सभी 16 जो विश्वविद्यालय हैं उनको यहाँ पर सूचना दे दी गई है। तमाम जो प्रदेश के कॉलेजेज हैं उनको सूचना यहाँ पर दे दी। करीब 400 के आसपास जो सरकारी कॉलेज हैं वो उनमें अक्सर जो है छात्र संघ के चुनाव यहाँ पर आयोजित कराए जाते हैं, और साथ ही में इन 16 विश्वविद्यालयों और उनसे अफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनमें ये छात्र संघ के चुनाव होते हैं। तो इस साल जो है छात्र संघ के चुनाव यहाँ पर नहीं होंगे। अगस्त महीने में छात्र संघ चुनावों का जो आयोजन है वो रहता है, और उसके लिए साल भर जो है छात्र नेता तैयारी करते हैं, और कई समय से जो है इसके पहले भी जो तैयारियां जाती। तो यहाँ पर जो छात्र संघ चुनाव की तैयारी करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर निराशा हुई है, लेकिन जो कारण जो दिए गए हैं वो जो छात्र नेता हैं उनके गले यहाँ पर नहीं उतर रहा है कि जिस तरह से शिक्षा नीति को जो है लागू करने की बात बताई गई है, विभिन्न परीक्षाओं के जो परिणाम हैं वो जारी करने और जो मौजूदा सत्र है उसमें प्रदेश प्रवेश। महेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। होशियार मीणा राष्ट्रीय मंत्री भी हमारे साथ जुड़ गए, होशियार से बात करते हैं। होशियार, एक बार फिर से सरकार ने जो है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हवाला देते हुए चुनाव के ऊपर रोक लगा दी है। इससे पहले भी समय समय पर चुनाव पर रोक लगी है। सबसे पहली प्रतिक्रिया होशियार आपकी बतौर छात्र नेता? देखिए, अशोक गहलोत सरकार डरी हुई है छात्रों से, और पिछली बार पूरे एनएसयूआई का पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सूखा साफ हुआ था। इस बार पेपर लीक और बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं के कारण युवा वर्ग में भारी आक्रोश है। इस आक्रोश के कारण सरकार ने बार बार एक प्रदेश का मुखिया किसी छात्र संगठन का नाम लेकर ये जताने की कोशिश करता है कि वो गलत है, वो सही है और लोग गलत हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों से सरकार डरकर ये छात्र संघ चुनाव पर नहीं करवाना चाह रही है, देरी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी माने जाने वाला ये छात्र संघ चुनाव आज सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के आप इस फैसले का विरोध करेंगे? देखिए, ये चीज तो विरोध की है, ये चुनाव तो होना चाहिए। लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी में छात्र कॉलेज में सीखता है कि मुझे किस तरीके की चीजें करनी है, कैसे करना है, क्या मैनेजमेंट होता है, चुनाव कैसे होते हैं। तो ये तो इसीलिए होता है कि छात्रों को ये चीजें सिखाई जाए। लोकतंत्र में चुनाव में छात्रों को प्रथम सीढ़ी मानते हुए उसे एक अच्छे लीडर बनने के लिए ये एक पहली सीढ़ी है। तो कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, और पीएम साहब को लग रहा है कि एनएसयूआई चारों सभी जगह फिर हारेगी तो मेरी बदनामी होगी। तो कहीं ना कहीं पीएम साहब डरे हुए हैं। होशियार, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। होशियार मीणा थे, राष्ट्रीय मंत्री है, एबीवीपी के छात्र नेता भी है। महेश हमारे साथ लगातार बने हुए। महेश, एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार का कहना है कि सरकार डरी हुई है इसलिए रोक लगाया है। देखिए, ये जिस तरह से होशियार मीणा ने आरोप लगाए हैं उनके आरोपों पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एबीवीपी जो है वो चुनाव जीतने की स्थिति में है, क्योंकि एबीवीपी के लिए भी पिछले जो लगातार हमने देखे हैं
तो निर्दलियों ने जिस तरह से राजस्थान में निर्दलियों ने जीत दर्ज की है बिल्कुल जो बाजी मारी है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि न सिर्फ एनएसयूआई के लिए चुनौतीपूर्ण था ये, बल्कि एबीवीपी के लिए भी उतना ही चुनौतीपूर्ण जो है वो बना हुआ है। और इस लिहाज से जो डर है वो न सिर्फ एनएसयूआई के लिए भी है बल्कि एबीवीपी के लिए भी बराबर का है। तो इस बारे में भी जो चिंता है वो न सिर्फ एनएसयूआई के लिए बल्कि एबीवीपी के लिए भी उसी तरह की चिंता जो है यहाँ पर बनती है। लेकिन जहाँ जो कारण जो बताया गया है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना जो है वो एक कारण यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। ये बात अलग है कि जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है आमतौर पर अगर विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले है तो उसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो सरकार जो है वो किसकी बनेगी एक अंदाजा जो आप उसका ऐसे लगाया जा सकता है। क्योंकि एबीवीपी जो है वो भले ही भाजपा का सीधा संगठन नहीं हो लेकिन राष्ट्र जिस तरह से आरएसएस का संगठन जो है वो है एबीवीपी और दूसरा एनएसयूआई जो संगठन है। विरोध एबीवीपी ने जताया है, एबीवीपी ने जो प्रतिक्रिया दिए राजस्थान सरकार के इस फैसले को लेकर, क्या वही विरोध एनएसयूआई में, वही गुस्सा एनएसयूआई में भी देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल अभी एनएसयूआई की प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई लेकिन इस बात में कोई दुराई नहीं कि एनएसयूआई की तरफ से भी जो है छात्र संघ चुनाव की मांग जरूर की जा रही थी। उनका भी कहना था कि विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के जो चुनाव है वो होने चाहिए और इसे लेकर के समय समय पर जो एनएसयूआई के छात्र नेता हैं उन्होंने भी अपना, क्योंकि जिस तरह की जो चर्चाएं हैं ये पहले से सामने आ गई थी कि इस बार के सत्र में छात्र संघ के चुनाव जो है वो रोके जा सकते हैं, तो इसे लेकर के एनएसयूआई के नेताओं ने अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश भी की कि ये जो छात्र संघ के जो चुनाव है वो कराए जाए। लेकिन जिस तरह से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश, क्योंकि ये कांग्रेस का ही छात्र संगठन है तो इस लिहाज से जो सरकार की तरफ से कोशिशें हैं वो ये रही है कि एनएसयूआई को ये कन्विंस किया जा सके या विद्यार्थियों को कन्विंस किया जा सके कि मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें कि छात्र संघ के चुनाव जो है वो संपन्न कराने के लिहाज से जो प्रदेश में स्थितियां हैं वो ठीक अनुकूल नहीं है और साथ ही में जो विश्वविद्यालय है उनके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और जो परीक्षा परिणाम है उनमें देरी होने, नए जो कॉलेज जाने के कारण प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होने का कारण जो है वो बताया गया है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हर घर तिरंगा अभियान, प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान आज जयपुर में निकाली जाएगी तिरंगा बाइक रैली। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह इसका नेतृत्व करेंगे। बीएसएफ और सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और ये खबर जयपुर से, सीएम गहलोत ने एक अहम बैठक ली है। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत आला अफसर मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने विजन 2030 के लिए सुझाव मांगे हैं। सीएम ने अफसरों के साथ विचार विमर्श भी किया। तो विजन 2030 सीएम ने सुझाव मांगे हैं अफसरों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ, कि क्या किया जाए जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर। और तमाम अफसरों ने भी अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं और ये बैठक आधी रात को हुई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत देर रात को ये बैठक हुई है। और सवाल इस बैठक से जुड़ा ये है कि 2024 की बात नहीं कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, इसमें वो 2030 की बात कर रहे हैं, यानी 2030 के लिए उन्होंने सुझाव मांगे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अफसरान के साथ बातचीत की, मुख्य सचिव उषा शर्मा इस बैठक में थी, सभी अफसरों ने अपनी तरफ से सुझाव दिए, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। देर रात राजधानी जयपुर में यह बैठक हुई है और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ सीएम अशोक गहलोत की बैठक।
सीएम अशोक गहलोत की ये रात देर रात बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम बड़े अफसरों को शामिल किया गया, सुझाव मांगे गए, सभी अफसरों ने अपनी अपनी तरफ से सीएम को सुझाव दिए भी। सीएम गहलोत की बैठक देर रात, ये बैठक और ये विजन 2030 को लेकर ये बैठक की गई। जयपुर में सीएम गहलोत ने विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मंत्री शांति धारीवाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, साथ ही तंज भी कसा। वहीं राजेंद्र राठौड़ के तंज पर सीएम गहलोत ने भी चुटीले अंदाज में कहा कि मेरे एक अंगूठे का नाखून टूटा है और दूसरे अंगूठे में 3 फ्रैक्चर आए हैं। ये 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन, इसमें आप जरूर गर्म हो गए। एक डायरी की गर्मी ने विधानसभा में, हम चाह रहे थे आपके साथ फोटो हमारी हो, आप हमें लजीज व्यंजन खिलाएं, उससे महरूम जरूर हो गए। और इसीलिए कहता हूं कि अब के बिछड़े तो शायद ख्यालों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले, फिर मुलाकात होगी। इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी स्मृतियां शेष रहेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी सार्वजनिक तौर पर पहली बार मिल रहा हूं, आपके पैरों की चोट ठीक हो, आप स्वस्थ रहें, पैरों की ये दीर्घकालीन पट्टियां खुले और आप इसी तरह स्वस्थ होकर हमारे सबका मार्गदर्शन करते रहे। सीधे स्वार्थ लाभ की कामना करेंगे, बहुत बड़ी बात है ये। राजेंद्र राठौड़ साहब अगर कामना करें मेरे सीधे स्वार्थ लाभ की, ये तो मेरा हक बनता है इनकी कामना को स्वीकार करने का, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नेता प्रतिपक्ष तो घर आना चाहिए था पूछने के लिए कि भाई क्या हो गया, कान लग गई। अगर आप घर आते तो आपकी हाइट बढ़ जाती कि भाई हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी की नॉर्म्स एडॉप्ट कर रहे हैं आप, उसकी बजाय आप और आपकी पार्टी नेताओं ने इसी मजाक उड़ा दी, कीलें लग गई है और नाटक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। बताइए आप, अरे मेरे दोनों अंगूठे में, एक अंगूठे में इसमें नाखून राठौड़ साहब, इसमें तो राठौड़ साहब पूरा नाखून बाहर आ गया, सुनिए आप, इसमें आगे नाखून पूरा बाहर आ गया, ठीक है, और फ्रैक्चर हो गया हेडलाइन का, इसमें नाखून तो बाहर नहीं आया, इसमें 3 टुकड़े हो गए हैं, 3 टुकड़े हो गए हैं। अभी भी आप आश्चर्य कर रहे हो, आश्चर्य कौन सा वाला कर रहे हो, सच्चे वाला कर रहे हो या आर्टिफिशियल कर रहे हो? क्योंकि मैं जो बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ आपकी, आपका चेहरा पढ़ रहा हूँ मैं, मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें भी आप डाउट कर रहे हो क्या? डीडवाना में भीषण सड़क हादसा हुआ, यहां कार और बस में जबरदस्त टक्कर हुई, इसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीकर से नागौर जा रहे थे, तभी कार को बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें डीडवाना में हुए एक्सीडेंट की हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक मैरिज फंक्शन के लिए जा रहे थे। लगा एक्सीडेंट हुआ वहां पे, हमारे प्रेमाराम जी जो प्रधान प्रतिनिधि है उन्होंने उन संपर्क किया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपनी गाड़ी से जो इंजर्ड थे, सीरियस थे, उनको अपनी गाड़ी से भेजा। एक बच्चा था, ऊपर वाले ईश्वर का शुक्र है कि बच्चा ठीक है,
बाकी जो बेहद खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, 7 लोगों की मौके पर मृत्यु होगी और गाड़ी को अगर आप देखते हैं तो बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त होगी, बस के साथ भिड़ंत हुई है। यहाँ पे जो इंजर्ड आए थे उन लोगों को प्राइमरीली जो फर्स्ट एड या जो चिकित्सा देनी थी वो डॉक्टरों ने देखे, उनको रेफर कर दिया है। डीडवाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में सभी 8 मृतकों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। परिजन रात्रि में ही मृतकों के शव ले गए। इस घटना से सीकर के मुस्लिम समाज में शोक की लहर छा गई। डीडवाना पहुंचे गमगीन परिवार 8 मृतकों के शव रात में ही ले गए, एक घायल का उपचार जारी है। बता दें कि डीडवाना के बाठड़ी के पास कल शाम को यह हादसा हुआ था। बस और कार के बीच भीषण टक्कर में कार में सवार सीकर के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए सभी जा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ शादी का कार्यक्रम और दूसरी तरफ एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत सड़क हादसे में। और बीकानेर के खाजूवाला से यह खबर है, आज 7वें दिन भी खाजूवाला बंद रहेगा। खाजूवाला में जन आंदोलन तेज होता जा रहा है, आज 7वें दिन भी अनिश्चितकाल बंद किया गया है। महिलाएं भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। आज सैकड़ों लोग एक साथ गिरफ्तारियां देंगे, राजीव सर्किल पर चक्का जाम करेंगे, पुलिस थाने का घेराव। निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है, कोई प्राइवेट बस भी नहीं चलेगी। आसपास के चक ढाणियों से बड़ी तादाद में लोगों ने अपना समर्थन इस बंद को दिया है। खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील को बीकानेर जिले में रखने को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम से यह खबर, मुनेश गुर्जर के निलंबन को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार मामले को लेकर तत्कालीन मेयर मुनेश को निलंबित किया गया था, इसके बाद कार्यवाहक महापौर नहीं बनाने पर संज्ञान लिया गया। चुनाव आयोग ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण सिंह ने आदेश जारी किए। और ये खबर जोधपुर से, जोधपुर में फिर गैंग वॉर हुई, तलवार से युवक पर जानलेवा हमला किया गया, युवक के हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस ने तलवार बरामद की। महामंदिर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। राजस्थान में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राजनेताओं ने भी अब प्रदेश में दौरा तेज कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने बालोतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि प्रदेश में अपराध बेलगाम हो गया है, साथ ही और भी काफी कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तेईस में चुनाव सर पर है और 90 दिन पहले आप ऐसी घोषणाएं करते हैं तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और इसलिए इस बार का जो चुनाव होगा वो चुनाव किसानों की कर्जा माफी की वादा खिलाफी के खिलाफ होगा। ये चुनाव हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी जो राजस्थान में 28% है इसके खिलाफ होगा। ये चुनाव पेपर लीक के खिलाफ होगा, जिसमें 125,000 बच्चों ने परीक्षाएं दी, 19 पेपर लीक हुए। इतनी हताशा और निराशा नौजवान के मन में कभी नहीं थी। भ्रष्टाचार, करप्शन सर्वे और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दो संस्थाएं वो इस बात को पुख्ता करते हैं कि 78% लोगों को राजस्थान में काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती। कोचिंग नगरी कोटा में एक छात्र ने अपने पिता की डांट के बाद आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पिता की डांट के बाद छात्र तनाव में आ गया, इसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया। अब इस पूरे मामले पर कोटा प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं, बढ़ते सुसाइड के मामले पर सरकार भी अब गंभीर हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हेलो हेलो
हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ है आप? मैं हॉस्टल पे आया, कहाँ छोड़ के देखा, उसने तो फांसी लगा रखी है। हाँ हाँ, आपने क्या बोला था उससे, फिर बोला था क्या? मैंने असल में क्लास लस नहीं करता था। हाँ, मैं रात में हाथ गोड़ जोड़ा, मैं रोने लगा, मैं खुद रात में तो मुझे एक बार आप भी मुझसे भी तो कंसल्ट करते ना, तो मैं भी बच्चों को वैसे समझाता, फिर आपने बोला भी नहीं मुझसे कुछ, वाक चले गए। अब क्या बात करने, कोई मतलब नहीं, लड़का मेरा चला गया। हॉस्टल संचालक और एक पिता के बीच की ये बात हर परिवार के लिए एक सबक है। परिजनों की अपेक्षाओं का बच्चों पर कितना तनाव बनता है, इसका ताजा सबूत है आज की घटना, जहां पढ़ाई को लेकर पिता की डांट फटकार के बाद तनाव में आकर जेईई के छात्र ने मौत को गले लगा लिया। कोर्स और सिलेबस के तनाव में छात्र न पढ़ाई कर पा रहा था और न ही कोचिंग जा रहा था। बस इतनी सी बात को लेकर पिता घर से हॉस्टल पहुंच गए और चार दिनों तक अपने बेटे के साथ समय बिताया और पढ़ाई को लेकर अपने बेटे को काफी समझाया, लेकिन उस बाप को क्या पता था कि उनका ये समझाना बेटे के तनाव को चरम तक पहुंचा देगा। पिताजी भी आए थे? हाँ, चार दिन से यही थे, वही हॉस्टल में रह रहे थे। हाँ, वो कुछ 4 बजे निकले और 5 बजे बच्चे का फोन आया, पापा घर चल गया, वो घर चल गया। उसके बाद बच्चा आया रूम में 6 बजे, 7:30 बजे तक वार्डन ने देखा, वही था पास में। फिर पेरेंट्स का फोन आया 8:30-9 बजे के टाइम पे, उन्होंने पूछा मेरा बच्चा फोन नहीं उठा रहा, मैं थोड़ी डांट लगा के आया था, आप देख लो। बताते चले कि कोचिंग सिटी में लगातार सुसाइड के केस सामने आते रहते हैं और पिछले 8 महीने में 20 छात्रों ने पढ़ाई के तनाव में आकर आत्महत्या कर ली है। तेजी से बढ़ते आत्महत्या के मामले को लेकर अब प्रशासन की भी आंखें खुली है और छात्रों की सुसाइड पर रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब हॉस्टल के हर कमरे में पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगानी होगी। इस डिवाइस की खास बात यह है कि जब ये डिवाइस पंखे पर लगी होती है तो उस पर 20 किलो वजन लटकते ही पंखा नीचे गिर जाता है, जिससे कोई इंसान पंखे से नहीं लटक सकता। इसके अलावा मीटिंग में निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी हॉस्टल की कोई शिकायत मिलती है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। संडे का मतलब संडे ही हो, बच्चे को पूरी आजादी मिले घूमने फिरने की, ताकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सके। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, 15 दिन में एक बार प्रत्येक स्टूडेंट का हो, चाहे कोचिंग में हो, चाहे हॉस्टल में हो, चाहे पीजी में हो, और गूगल फॉर्म के माध्यम से कराएंगे। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का मतलब ये होगा कि बच्चे की कोई डाउटफुल मानसिक स्थिति पाई जाती है तो उससे मालूम पड़ जाएगा बच्चे का, और उस बच्चे को फोकस करेंगे तो उस बच्चे तक हमारे काउंसलर्स, हमारे साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और हमारी टीम पहुंच जाएगी और उसको कन्विंस कर पाएगी। मामले को लेकर सरकार ने भी गंभीरता दिखाई है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने बच्चों की मौत पर दुख जताते हुए कहा है कि परिजन अपने बच्चों पर दबाव ना डालें, बच्चे जो भी बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। आत्महत्या हो रही है, ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों में। ये हमारे चिंता कैसे होना चाहिए, इनके परिवार को भी चाहिए, इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है, किसको क्या बनना है किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, जो बनना सबका फिक्स है। कोचिंग नगरी की यह घटना हर किसी को सावधान करने वाली है और इस तरह की घटनाओं से सभी को सबक लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों पर अधिक तनाव का बुरा असर पड़ सकता है। अभिभावकों को अपने बच्चों पर पढ़ाई और अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे तनाव में आकर वो गलत फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और ये खबर कोटा से, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। आरकेपुरम के रणबंका चौराहे पर यह हंगामा हुआ, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कोटा में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया बताया। कोटा में एक जगह पर दोनों कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। हिमांशु हमारे साथ कोटा से जुड़ गए। हिमांशु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। हिमांशु, क्या था ये पूरा मामला और क्यों ये नौबत आई कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए?
देखिए ये तमाम भाजपा के कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस का विरोध जताने के लिए आरकेपुरम थाने पहुंचे थे, बड़ी तादाद में पहुंचे थे और जमकर के हंगामा और नारेबाजी करने लगे, और ऐसे में नारेबाजी करते हुए थोड़ा सा आरकेपुरम थाने के घेराव की इन तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से कोशिश की गई। और आपको बता दें कि सरकार का ये तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता विरोध जता रहे थे कोटड़ी भट्टी कांड को लेकर के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की जो मांग है वो ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे थे, और ऐसे में जब हंगामे के हालात हुए तो पुलिस ने एकाएक इनको रोकने के लिए भाजपा के ये तमाम जो कार्यकर्ता थे वो उन्हें हिरासत में भी लिया। हालांकि कुछ देर बाद में इन सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन जब हंगामे के हालात बनते हुए पुलिस ने देखा कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता जब आमने सामने होने लगे, वहां पर माहौल जब एक तरह से कहा जा सकता है कि बिगड़ने लगा, तो एहतियातन आरकेपुरम थाना पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कुछ देर बाद में हालात सामान्य होने के बाद में छोड़ दिया। हिमांशु प्रतिक्रिया दी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर? देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे, और जो हाल ही में घटनाक्रम हुए हैं उनको लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और इसी को लेकर के कांग्रेस का और प्रदेश सरकार का ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो विरोध जता रहे थे, इसी को लेकर के आरकेपुरम थाने पर पहुंचे थे, इसी बात को लेकर के वहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस को एक्शन मोड में आना पड़ा, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा और हालात को जो कह सकते हैं कुछ देर बाद में सामान्य। जी हिमांशु जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसलमेर के पोकरण और सांकड़ा थाना क्षेत्र के लोगों को लॉरेंस गैंग की धमकी देने के बाद एसपी विकास सांगवान सख्त नजर आ रहे हैं। सांकड़ा थाना क्षेत्र में कार्यरत एक शिक्षक को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर काला जेटली द्वारा बार बार कॉल करके 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है, और पोकरण थाना क्षेत्र के नामी होटल आशापूर्णा के संचालक आसकरण गोयल को कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, और फिरौती ना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने पर परिवार सदमे में आ गया। दोनों मामले को गंभीरता से लेते हुए जैसलमेर एसपी विकास सांगवान ने सख्ती दिखाते हुए सांकड़ा एसएचओ आदेश कुमार यादव ने शिक्षक की सुरक्षा के लिए दो जवान तैनात कर दिए। पुलिस दोनों पीड़ितों से संपर्क रखकर प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख रही है। एसपी विकास सांगवान दोनों मामले को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। और ये खबर बीकानेर से, रेंज में फिर चला खाकी का एक्शन। पुलिस ने रेंज के चार जिलों में दबिश दी, 871 पुलिसकर्मियों की 235 टीम ने रेड मारी। रेंज में 927 जगह से 381 अपराधी पकड़े गए। रेंज के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में ये कार्रवाई की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल